welcome back to my channel Learn with Gullu. So today we will learn odd and even number. So our first question is, what is odd number? Odd number is 1, 3, 5, 7, and 9. Then our second question is, what is even number? Even number is 0, 2, 4, 6, 8, and 10. तो ये मैंने आपको बताया वन डिजिट का, बता दिया ऑड एंड इवन नंबर पहचानने का. अगर आपका टू डिजिट आया होगा, थ्री डिजिट आया होगा, तो हम कैसे पहचानेंगे? आइए समझते हैं. नंबर है हमारे पास 25. क्या है? 25. हम कैसे जानेंगे? जानने के लिए हम उसके वंस प्लेस में देखेंगे. किसको? वंस प्लेस में. वंस प्लेस में अगर 9 होगा तो वो ऑड नंबर होगा. अगर 6 होगा तो वो इवन नंबर होगा. तो यहाँ 5 है और ऑड नंबर में यहाँ 5 है. सो दिस इज एन ऑड नंबर. ओके, सो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये है 3 डिजिट नंबर. ओके, सो इसके वंस प्लेस में 4 है. कितना? 4. और यहाँ इवन नंबर में यहाँ 4 है. सो दिस इज एन इवन नंबर. ओके, सो इन दिस सब्जेक्ट आवर मेन पॉइंट इज दिस ऑड नंबर. ऑड नंबर डू नॉट मेक पेयर्स, बट इवन नंबर मेक्स पेयर. इवन नंबर्स मेक पेयर. कैसे? आइए देखते हैं. सो पहले मैं आपको बता दूं, एक पेयर में मिनिमम 2 थिंग्स होते हैं. कितने? 2 थिंग्स. हाउ मेनी? 2 थिंग्स. सो यहां हमने ले लिया 1. तो यहां एक 1 है, मतलब एक 0 है, मतलब एक थिंग है. ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कि एक पेयर में 2 थिंग्स मिनिमम होते हैं. तो ये तो नहीं हो सकता, पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता. और ये ऑड है. क्या? ऑड नंबर है. 2 तो हो सकता है ना, क्योंकि एक पेयर हुआ. ओके, ये हो गया और इट्स एन इवन नंबर. वेरी गुड. 3 में यहां एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर कैसे बनेगा? यहां तो एक है ना, सो ये भी नहीं बन सकता. और ये है एक ऑड नंबर. 4. कितने? 4. ये एक पेयर और ये एक पेयर. ओके, और ये है इवन नंबर. ये एग्जाम्पल लेने के बाद ये सब साबित होता है कि ऑड नंबर डू नॉट मेक पेयर, बट इवन नंबर्स मेक पेयर. चलिए उसका कुछ क्वेश्चन करते हैं. सो लेट्स डू द क्वेश्चन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, टिक द इवन नंबर एंड क्रॉस द ऑड नंबर. ओके, तो 16 के वंस प्लस में क्या है फ्रेंड्स? 6. सो इसे हम टिक करते हैं. 27 के वंस प्लस में क्या है फ्रेंड्स? 7. तो ये ऑड नंबर है, हम इसे क्रॉस करते हैं. वैसे ही 33 को हम क्रॉस लगाएंगे, 18 को हम टिक लगाएंगे, 45 को हम क्रॉस लगाएंगे, 17 को हम क्रॉस लगाएंगे, 95 को हम क्रॉस लगाएंगे, 43 को हम क्रॉस लगा.
71 के प्लेस में क्या है फ्रेंड्स? 1। तो इसे भी हम क्रॉस लगा देंगे। तो 16 और 18 के वंस प्लेस में 6 और 8 है, इसलिए ये इवन नंबर है और बाकी सब ऑड नंबर हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। सो आवर क्वेश्चन 2 इज राइट द ऑड नंबर बिटवीन 1 to 20। ओके, आवर क्वेश्चन इज राइट द ऑड नंबर बिटवीन 1 to 20। इसका मतलब 1 to 20 के बीच में जितने भी नंबर है उनमें से ऑड नंबर जो भी है उन्हें हमें बॉक्स में लिखने हैं। तो मैंने यहाँ 1 से 20 तक लिख दिया है यहाँ। तो अब हम पहचान लेते हैं। सो आवर फर्स्ट इज 1 है ऑड नंबर, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1। फिर है हमारे 3, क्या 3 हमारा ऑड नंबर 3। देन आवर ऑड नंबर इज 5, यहाँ लिख देते हैं हम 5। देन आवर ऑड नंबर इज 7, यहाँ लिख देते हैं हम 7। देन आवर ऑड नंबर इज 9, सो दिस इज 9। देन 11, देन 13। ओके, यहाँ देख सकते हैं आप 1 लगा है, उसके साथ और एक 1 लग गया। ओके, 3 है सेकंड में, 3 के साथ और एक 1 लग गया। वैसे ही हमारा नेक्स्ट है 5, हमने लिखा 5 और उसके साथ 1 लग गया। सो 15 इज आवर ऑड नंबर। वैसे ही 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23, फिर 25, फिर 27, फिर 29, फिर 31। दीज आर ऑड नंबर बिटवीन 1 to 20। सो अब मैं आपको पूछने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। तो 46 का आफ्टर नंबर क्या है बताओ? 47। वेरी गुड। लेकिन 46 क्या है? 46 इज एन इवन नंबर। वेरी गुड। 47 तो ऑड नंबर है, राइट? 47 ऑड नंबर है, तो 46 इवन नंबर है, इसीलिए हम 46 के नेक्स्ट इवन नंबर को लिखेंगे। हम 47 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? वेरी गुड फ्रेंड्स, 48 हम लिखेंगे। व्हाट? 48। वैसे ही 25 ऑड नंबर है, उसके नेक्स्ट ऑड नंबर लिखेंगे। 25 का नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है फ्रेंड्स? वेरी गुड, 27। वैसे ही 36 का क्या है फ्रेंड्स? वेरी गुड, 38। वैसे ही 73 का? वेरी गुड फ्रेंड्स, 75। वैसे ही 28 का? बिल्कुल सही, 30। 99 का? बिल्कुल सही, 101। तो ये थे कुछ क्वेश्चन और मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पास वाले घंटी को भी बजा दें। उसके बाद आपको एक ऑल का बटन दिखेगा, उसे भी दबा दें, क्योंकि जब मेरा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।